डूड, नया सप्लायर मिला है। क्या बात कर रहे हैं? एंड यू वोंट बिलीव, इसका माल ना एक्सेसी और मियामी को पीछे छोड़ देगा। अभी उससे ही मिलने जा रहा हूँ। तो अब है कहाँ तू? यार मैंने सोचा आज शॉर्टकट ले लूँ, इसलिए नेशनल पार्क रोड से जा रहा हूँ। पागल हो गया क्या? वहाँ से नहीं जाता। हेलो हेलो जयेश, हेलो ने भाई का ट्यूबलाइट देखा क्या? हाँ भाई, देखा ना भाई? एक ने बनाया फैन, दूसरे ने बनाया ट्यूबलाइट, तो तीसरा अपन का भी बनता है फिल्म बनाने का? नहीं बनता है ना भाई, बनता है ना। नाम सोचा है? मतलब कैसा आएगा? मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अरे यार गड्डी के चेंज करते हैं। शॉर्ट सर्किट कड़क है भाई, कड़क है, कड़क है भाई, कड़क तो होगा ही ना बिट्टू भाई। बिल्कुल आपके माल की तरह। कैसा रे बंटा है? कौन है तू? तू नहीं, लोग मुझे साहब बोलते हैं। साला पुलिस, पुलिस को गाली? गलत बात। चल बेटा। Ah!
प्यार से पूछ रहा हूँ, वरना वरना क्या क्या उखाड़ देगा। ऊपर और मेरी तरफ मोड़। किसने किया ये सब? हाँ, किसने किया ये सब? किसने किया? वनराज। हाँ, वनराज, वनराज कहाँ मिलेगा वनराज? कहाँ मिलेगा वनराज? अरे छोड़ दो मुझे, वो भाग जाएगा। ओए, चुप कर। इसे थाने लेके चलो। तेरी बाकी की हीरोगिरी ना अब भाव उतरेगी। पागल मत बनो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। एसीपी विक्रांत सिंघल, तुमने इसे अरेस्ट किया। मे आई नो व्हाई? एसीपी शिवानी जोगलेकर। सर, कल को कोई भी बोलेगा वो एसीपी है तो मान लेंगे क्या? मैंने तो बस रूल्स फॉलो किए थे। कंप्लेन हॉटलाइन पर फोन आया था कि वहां पर शूट आउट चल रहा है और ये आदमी विक्रांत। सर, आपको तो पता ही है वहां पर गैंग रिलेटेड कितने शूट आउट चलते रहते हैं। ये वहां पर सिविलियन कपड़ों में तो क्या अंडर कवर जाते समय पुलिस की वर्दी में जाता? विक्रांत, ये गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, गलती तो मेरी है। ये एडमिट कर रहा है गलती अपनी सर। एक मिनट, चुप रहो तुम दोनों। शिवानी, टेक्निकली तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर इतना ज्यादा रूल बाउंड होना भी प्रॉब्लम है। आज तुम्हारी वजह से एक क्रिमिनल भाग गया। एक क्रिमिनल नहीं सर, मेन ड्रग डीलर वनराज। और विक्रांत, ये ऑपरेशन ऑथराइज नहीं था सर। लेकिन इसी लीड को तो मैं कई महीनों से फॉलो कर रहा था। हाँ, लेकिन आज रात जो तुम अंडर कवर गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया, और वो भी बिना आईडी प्रूफ के। सो इट्स ऑन यू। पर सर वनराज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने पता कर लिया है। वनराज नाम तो है लेकिन कोई उसे जानता नहीं, कभी कोई उसे मिला नहीं, ना किसी ने उसे देखा है। ये शायद एक कहानी है, दहशत फैलाने के लिए कोई उसका नाम यूज करता है।
लेकिन वनराज नाम का कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं सर? आई मीन किसी गैंग का कोड नेम भी तो हो सकता है, और मैंने उसे देखा है सर। आज मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि मैडम ने आके सारा प्लान बिगाड़ दिया। वो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी विक्रांत, और अगर तुमने नॉर्मल पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो किए होते ना तो ये नौबत नहीं आती। प्रोटोकॉल्स सर, आपको हमेशा से ये टेक्सटबुक पुलिस वर्क वाले लोग ही पसंद है ना, लेकिन हर बार सारे रूल्स फॉलो करके क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि उनके कोई रूल्स नहीं होते। और यही फर्क हम में और उनमें है, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आजकल ये टीचर टाइप के लोगों को फोर्स में भर्ती कर लेते क्या सर? बैक बेंच टाइप तो है ही, तो टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। शिवानी, आई रिस्पेक्ट योर ड्राइव, लेकिन ये तुम्हारे सीनियर है, डोंट फॉरगेट दैट, सो प्लीज बिहेव। सॉरी सर। जाओ, गो बैक टू योर वर्क। अब मुझे ये केस देखना पड़ेगा। सर। आ गई तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। काजल लाइए। काजल? हाँ, मैंने तुझे व्हाट्सएप किया था ना। आई, मैं दो दिन से ड्यूटी पर हूँ, सोई नहीं हूँ, और आप ऐसे काम। तो मुझे भी तो रात भर जाग के गाजर का हलवा बनाना था ना, कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना तू ना तेरे बाबा, सब सही है, मैं ही सबकी दुश्मन बनी हुई हूँ। भाई आप भी ना। बाबा, मैंने तेरे आयु को बोला था मैं मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा लाके देता हूँ। आपको पता है ना, मैं वहाँ से नहीं मंगवाती, मैं हमेशा घर में बने घी में ही बनाती हूँ। आपको लाना चाहिए था ना गाजर। आज मेरा सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है। और मैं, मेरी छुट्टी कब होगी? इसीलिए तो कहता हूँ, कल सुबह मैं मिठाई की दुकान पर जाकर गाजर का हलवा लेकर आता हूँ। अब तुम आराम करो। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि कल क्या है। विक्रांत है? हाँ है सर, आइए। क्या बात है विक्रांत? अरे सर, आज फिर से एक्सपेरिमेंट? आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर, पिछले टाइम की बात और थी। ओह,
वैसे आज के लिए सॉरी सर, पता है परमिशन नहीं थी लेकिन पिट्टू को देखा तो। इट्स ओके विक्रांत, आई नो इन ऑपरेशंस में कभी कभी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। वैसे वो लड़की कौन थी? शिवानी जोगलेकर, 4 महीना पहले ही ज्वाइन किया है लेकिन पूरा पुलिस फोर्स बदलना चाहती है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, काफी लड़ झगड़ कर अपने फैमिली के खिलाफ जाकर पुलिस में आई है। उसका भाई भी पुलिस में तुम्हारी तरह एसीपी हुआ करता था। था? आपका फेवरेट कैरमल फज। हैप्पी बर्थडे दादा। Bless you. मैं ही लाया था लेकिन अब तू आई को देना, खुश हो जाएगी। पापा आप क्यों इस तरह आई को परेशान करते हो? अरे बेटा मैं थोड़ा उसे परेशान करता हूँ इसलिए थोड़ी देर के लिए उसका मन हट जाता है, वरना आज भी वो सिद्धू की तस्वीर देखकर रोती रहती है। अब तू ही बता, डिप्रेशन से गुस्सा बेटर है ना? सिद्ध बहुत खुश होगा, उसकी छोटी बोटी पुलिस में है ना, उसकी तरह। सिद्धांत ड्यूटी पर मारा गया 15 साल पहले, इसलिए घर पे रेजिस्टेंस बहुत था। शिवानी खुद भी बहुत कुछ प्रूव करना चाहती है लेकिन तुम भी बहुत सख्ती से पेश आए। अच्छा सुन, कल तो छुट्टी ले ले, मेरा थोड़ा हाथ बटा, अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को हलवा खिला देंगे। आई कल छुट्टी नहीं मिलेगी। किसी को कोई पड़ी नहीं है ना, कल मेरे सिद्धू का जन्मदिन है, तू मेरी एक बात नहीं मानती। तुझे मना किया था पुलिस में जाने से, इस बात से सिद्धू को कितना दुख पहुंचता होगा। जा रही है दादा, कल आपकी छुट्टी है ना, हम सब घूमने जाएंगे। छोटी बोटी मैं कल छुट्टी नहीं ले सकता दादा। नहीं दादा, देख मैं तेरे लिए क्या ला लूं। वाह चॉकलेट। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अब सिद्धांत जोगलेकर हमारे बीच नहीं रहे। अब फोर्स में काम करना है तो थोड़ा टफ तो होना पड़ेगा ना सर। सीख जाएगी। एक्चुअली मैं एक दूसरे काम से आया था, एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, डीआईजी पटेल के बेटे अजय का मामला है। कल रात से वो लापता है। उसके दोस्त ने बताया कि 11:30 के करीब अजय नेशनल पार्क के रास्ते से गुजरा था। उसके बाद से ना तो उसका कोई फोन लग रहा है ना कोई कांटेक्ट। ठीक है सर, मैं आज रात ही एक टीम असेंबल कर लेता हूँ। नहीं विक्रांत, ये तुम्हें अकेले हैंडल करना होगा क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम खराब हो सकता है। अजय वॉज अ ड्रग यूजर, US से रिहैब करके आया था लेकिन सुना है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो अगर ड्रग्स लेकर कहीं पड़ा होगा तो ये बात मीडिया को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। एंड आई ट्रस्ट ओनली यू विक्रांत, मैटर अर्जेंट है, तुम्हें इमीडिएटली निकलना होगा। ठीक है सर।
मुझे आगे चौराहे तक छोड़ देंगी? हाँ अकेली। दीदी क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगी? शादी के जोड़े में दीदी क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगी? हमारा नाम क्या है? दीदी क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगी? आगे आपका चौराहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। रात को ये यहां क्या कर रही? पहली बार गाड़ी देखी है क्या? मैं बस कोई है वहां? चलो
ये तो DIG के बेटे की गाड़ी है। क्या? अजय DIG का बेटा, ये उसकी गाड़ी है। तो तुम उसे ढूंढने आए थे? मैं अपने केसेस दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करता। यार ये गया कहाँ? अजीब निशान बना रहा है। निशान कैसा निशान? आ जाओ सेल्फी भी ले लो, मैं इसे लेकर जा रहा हूं। मुझे आदत है काम हम करें, क्रेडिट कोई और ले जाए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा पीछा? नो सर, वही एरिया में थी। सर कार पर कुछ ब्लड के निशान मिले थे, लैब में भेज दिए टेस्ट के लिए। कहीं किसी को टक्कर तो नहीं मार दिया और घबरा के ऐसा हो गया हो? अभी भी कुछ नहीं बोल रहे सर। से कुछ अजीब से निशान बना रहा था पेड़ पर। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये निशान कई साल पहले कुछ क्राइम सीन्स पर मिले थे। कहां सर, कब? मुझे याद नहीं कब, लेकिन होंगे किसी पुरानी अनसॉल्व केस फाइल्स में। से फाइल्स कहां मिलेंगी? वही जहां अनसॉल्व केस फाइल्स का भंडार है, शैतान चौक। सर बिट्टू ने भी यही नाम लिया था। अजय, अजय, क्या नाम बोला अभी तूने? हाँ, क्या बोला? विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत बोला? विक्रांत, विक्रांत, अजय, सर लेकिन इससे अभी नाम लिया था। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, डीआईजी का बेटा, तुम अभी इसे ऐसे इंट्रोगेट नहीं कर सकते। इसका नशा तो दे दो, फिर देख लेना।
शहर तक छोड़ देंगी? आगे आपका छोड़ा है। फिर से नहीं देख सकता, फिर से सब नहीं हो सकता। क्या मतलब आप बता नहीं सकते ये ब्लड किसका है? सर मैं सच कह रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, पर ना ही किसी जानवर का खून है ना किसी इंसान का। व्हाट डू यू मीन? मैडम मैंने ये यहीं पे चेक किया है, रीचेक भी किया है, सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड ही है, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं है, ए बी ओ नेगेटिव पॉजिटिव कैसा ब्लड कुछ भी नहीं। पर ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं सर, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी इंसान का बिना फिंगरप्रिंट्स के पैदा होना। ये आपको मिला कहाँ से? नेशनल पार्क रोड से। वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ तो भूत है उस लड़की का। क्या बकवास कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं। सर बहुत सी चीजें इन सबसे परे होती है। मैंने भी नेशनल पार्क में कुछ देखा था, कुछ बहुत अजीब सा, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। मेरे पास है। उस एरिया में अक्सर इलीगल एक्टिविटीज होती रहती है। आई एम श्योर कोई जानबूझकर ये सब करवा रहा है ताकि डर के मारे वहाँ कोई ना जाए। और वनराज भी वही छुपा है। हेलो, आई मैम को थोड़ी देर। हेलो, घर कब आ रही है? सॉरी आई, केस के चक्कर में पता। बस बस, तू आराम कर, कभी कभी जी घबराता है तो ऐसी हो जाती हूँ। और हलवा खाएगी? फिलहाल थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ, कल टिफिन में ले जाऊंगी। ठीक है, तू काम पे जा। मेरे सिद्धू का जन्मदिन गिफ्ट तो यही है ना कि तू काम पे चली जाए। बस अपना ख्याल रखना। ये निशान कई साल पहले कुछ क्राइम सीन्स पर मिले थे। कहाँ सर? वहीं जहाँ अनसॉल्व केस फाइल्स का भंडार है, शैतान चौकी।
मैडम। ऑटो रुक, रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। कौन है वहां? मैं आप ही का वेट कर रहा था। दिखाई नहीं दे रहे, आगे आइए। आपका नाम? मैं कांस्टेबल गोविंद राव। साहब ने कहा था आप आएंगी। इतनी जल्दी सुरेश सर ने बात भी कर ली? यहाँ का लाइट का स्विच कहाँ है? पिछले कई सालों से जलाई नहीं गई, भूल गया। एसीबी विक्रांत सिंगल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, नेशनल पार्क रोड पे एक ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से एक पुलिस वैन भेज दो फॉरेंसिक टीम के साथ। ये ड्राइवर मर गया, पटवा लो कर चला। केस के बारे में कुछ पता है? ये क्राइम का मुर्दा घर है मैडम। जो भी केस सॉल्व नहीं हुआ उसका यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, इसीलिए वो कभी शांत नहीं रहते, यहाँ वहाँ भटकते रहते। फिलहाल मुझे सिर्फ नेशनल पार्क के केस फाइल्स चाहिए। माधुरी, मुझे पता था। क्या आप मुझे आगे चौराहे तक छोड़ देंगे? हेलो हेलो मैडम, नेशनल पार्क में एक रिक्शा ड्राइवर की लाश मिली है।